हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बनाना वॉलनट केक। सुपर इजी केक। इसमें आपको वॉलनट्स के क्रंच मिलेंगे, रेजिन्स मिलेंगे और बहुत ही टेस्टी सिंपल इजी वे में मैंने आपको ये केक जो है इसमें दिखाया हुआ बनाया हुआ है। इस अ परफेक्ट टी टाइम स्नैक, पर आप किसी समय भी खा सकते हैं। तो चलते हैं और चल के हमारा केक बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बनानास लिए हैं जो राइपन थे और उनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। ये जो है मैंने मीडियम साइज बनानास लिए थे। मेरे बनानास मैश हो गए हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जिसमें मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है जो कि 1 और 1/4 कप है। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाले हैं छोटे, और 1/2 टेबल स्पून जो है बेकिंग सोडा डाला है। उसके अंदर मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाला है। ये सब मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं और मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाए। अब मैंने जो है ऑयल लिया है, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1/2 कप, और 1/2 कप ही मैंने शुगर लिया है, पाउडर्ड शुगर, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं रूम टेम्परेचर पर हैं। ये दोनों अच्छी तरह जब मैंने क्रीम कर लिया तो मैंने जो मेरे मैश्ड बनानास थे इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने 2 eggs डाले हैं। eggs भी जो हैं मेरे रूम टेम्परेचर पर हैं। एग्स डालने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क का भी डाला है, दूध डाला है, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आपके जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद मैंने वैनिला एसेंस का जो है 1 टेबलस्पून डाला है। आप चाहें तो 1.5 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून डाला है। इसके बाद जो मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मैंने 2 बैचेस में धीरे धीरे अंदर मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर दिया है और अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। ये प्रोसेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जो बाकी का बचा हुआ था मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट उसको भी मैंने अंदर डाल दिया है। अब मेरा बैटर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब मैंने 1/4 कप जो है वॉलनट्स और 1/2 handful of raisins जो है मेरे बैटर में डाल दिया है, और एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। एक बार बैटर आपका तैयार होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बारी मिक्स नहीं कीजिएगा। मेरा जो टिन है वो ऑलरेडी ग्रीस्ड है और उसके अंदर मैंने अपना बैटर डाल दिया है। और ऊपर से जो मेरी टॉपिंग्स है जैसे वॉलनट्स, रेजिन्स और ओट्स का मैंने यूज़ करा है। मेरा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है और ओवन में जाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ और इसको मैं ऑलमोस्ट 55 मिनट्स तक मैं बेक करूँगी, और बीच में एक बार मैं चेक कर लूँगी टूथपिक से कि ये बेक हो गया है कि नहीं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका जो टूथपिक है वो गीला बाहर आता है
तो आप उसको फिर से 10 टू 15 मिनट्स अंदर रख सकते हैं। मेरा केक बनके तैयार हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बना था। इसको बिल्कुल ठंडा करके ही निकालना, नहीं तो बहुत सॉफ्ट होता है तो लाइक यू नो टूट सकता है। मेरा केक तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीन टिप्स जो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि केक बनाने के लिए सबसे पहले जो है सब आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं रूम टेम्परेचर पे होना है। सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपना बेकिंग टिन जो है उसको पहले से ही आप तैयार करके रख लीजिए, उसमें या पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो भी लगाना है उसको आप पहले से तैयार कर लें। और जो आपका ओवन है वो प्री हीट होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।